दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्ले स्ट्रिंग ऑन योर कैसियो CTX870IN कीबोर्ड। तो दोस्तों, आज ये वीडियो ओनली फॉर कैसियो CTX870IN कीबोर्ड यूजर्स के लिए बनाई जा रही है, जिसमें आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग टोन को मैन्युअली एडिट कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग टोन मैन्युअली एडिटिंग। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कैसियो CTX870IN कीबोर्ड से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं, इसके टोन एडिटिंग सेटिंग्स और इसके रिव्यू, इसके बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज सीखने वाले हैं हम हाउ टू यूज़ स्ट्रिंग टोन मैनुअली ऑन योर कैसियो CTX870IN कीबोर्ड। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग टोन मैनुअली आप कैसे एडिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लीजिए दोस्तों, हम डिस्प्ले पे आ गए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि आपको डिस्प्ले साफ नहीं दिखता है और क्लियरिटी कम आती है, और कुछ ही दोस्तों ने कमेंट किया था साउंड क्वालिटी के ऊपर कि आपकी साउंड में इको आता है। तो आज हमने ट्राई किया है कि दोनों चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, और आज की वीडियो बनने के बाद इस वीडियो में बताइएगा ज़रूर कि आपको इसमें साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सिखाते हैं हाउ टू एडिट स्ट्रिंग टोन मैनुअली ऑन योर कैसियो CTX870IN कीबोर्ड। दोस्तों, सबसे पहले आप एक बैंक लेंगे, कोई सा भी बैंक लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई सा एक बैंक क्रिएट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर और स्प्लिट दोनों ऑप्शंस को पहले ऑफ करना है। देन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे 187 प्रेस करेंगे, जो कि आपका स्क्रीन डिस्प्ले में दिख रहा है। ये आपके कैसियो CTX870IN कीबोर्ड का स्ट्रिंग टोन है। ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। दोस्तों, स्ट्रिंग तो आपने सेट करके देख लिया होगा, लेकिन दोस्तों इसको हम मैन्युअली एडिट करने वाले हैं, और एडिट कैसे करेंगे वही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेयर पे आएंगे और आप लेयर पे आएंगे, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप प्रेस करेंगे 184। दोस्तों, जैसे ही आप लेयर का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको U2 दिखेगा डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। U1 इसका मतलब है कि आपको लेयर बटन हटा के कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, उसके पहले आप U1 टोन में सेट करते हैं। जैसे ही आप लेयर बटन का यूज करेंगे, आप U2 ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, तो U1 में आपको रखना है। आप देख लीजिए फिर से, U1 में रखेंगे आप 187, डिस्प्ले में दिख रहा है आपको 187 आपको प्रेस करना है, जो कि स्ट्रिंग टोन है। देन आप लेयर बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको U2 दिखेगा, U2 सेक्शन में आ गए हम। अब इस पे आप प्रेस करेंगे, दोस्तों लेयर पे आप क्लिक करेंगे 194, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं टोन का नाम ऑक्ट स्ट्रिंग है।
दोस्तों आपने देखा लेयर ऑप्शंस के बाद कुछ टोन में चेंजिंग आती है, ये आपका लेयर का ऑप्शन यूज हो गया। उसके बाद आप प्रेस करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट से क्या है, जो आपको फुल कीबोर्ड रेंज जो है वो आपका लेफ्ट हैंड के लिए डिवाइड हो जाएगा, जिसे आप कॉर्ड देंगे, कॉर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग, कॉर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टोन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो आप स्प्लिट प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको एल ऑप्शन ओपन दिखेगा डिस्प्ले में, देखिए आप जैसे आप स्प्लिट प्रेस करेंगे यहाँ से आपको एल ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, जैसे आपने लेयर में किया था। तो दोस्तों आप इसमें रखेंगे 151 नंबर टोन रखेंगे, ये आपका एक मैनुअल न्यू स्ट्रिंग टोन एडिट हो चुका है। अब आप इसको अपने सॉन्ग बैंक के किसी भी सेक्शन में जाके आप इसे, किसी भी रजिस्ट्रेशन में आप इसे, किसी भी बैंक में आप इसे जाके मैनुअली एडिट करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको स्टोर करना नहीं आता है कैसियो CTX 870IM कीबोर्ड में, उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जिसमें ऑलरेडी मैंने हाउ टू स्टोर सॉन्ग बैंक इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें स्टोर आप कैसे करेंगे। आपको स्टोर बटन को होल्ड रखना है, देन आप जिस भी बैंक में जाना चाहते हैं, जिस भी रजिस्ट्रेशन में, किसी भी रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ से जाके स्टोर कीज को आप होल्ड रखेंगे, दबा के रखेंगे, और जिस भी आपको सेक्शन में रखना है वो उस बटन को आप प्रेस कर दीजिए। जैसे इसे मैं रखता हूँ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के फोर्थ बैंक में, तो मैंने आपको दिखाया मैंने स्टोर बटन को होल्ड किया और यहाँ से फोर्थ नंबर प्रेस करेंगे और ये आपका स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप किसी भी बैंक में वापस जाएंगे तो अलग टोन आएगा। अब देखिए मैंने फोर्थ रजिस्ट्रेशन में, फोर्थ बैंक में स्टोर किया था, ये आपका स्ट्रिंग है। और दोस्तों आपको स्ट्रिंग टोन मैन्युअली एडिट करना आ गया, आपने एक नया स्ट्रिंग टोन बना लिया है और आपको सॉन्ग बैंक को स्टोर करना भी आ गया होगा। शायद नहीं आया है तो आप ऊपर वीडियो आई बटन में आपको वीडियो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप स्टोर बटन हाउ टू स्टोर सॉन्ग बैंक इस टाइप का एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके इसे मैन्युअली देख सकते हैं और उसमें और भी चीज़ें बताई हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और एक नए टोन के साथ। और कीबोर्ड की सेटिंग्स और भी आगे जानने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।